मैं हूँ नवीद सत्ती। और जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत चल रही है, स्पेशली इलेक्शन जो है उसकी तैयारियाँ उरूज पे हैं, और जो शख्स भी बोलने की कोशिश कर रहा है उसको या तनकीद करने की कोशिश कर रहा है उसको फ़ौरन या तो नैब का नोटिस भेजने की बात हो रही है या फिर उसको जो है वो कोई और तरीका उसके लिए अपनाया जाता है। शाहिद अकान अब्बासी साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ गुज़श्ता कई माह से जब से उनके उनसे ओहदा लिया गया और उसके बाद उनके इख्तलाफात हैं नवाज शरीफ फैमिली के साथ, उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। और अब उनकी जो बहन है सादिया अब्बासी, उन्होंने भी सेनेट में तकरीर की, उस पर वो कहा जा रहा है कि उनको ये कहा गया कि आप सेनेट से इस्तीफ़ा दीजिए, पार्टी छोड़िए। और यही सूरतयाल जो है वो शाहिद अकान अब्बासी के भी लग रही है कि उन्होंने पार्टी से राह जुदा करने की कोशिश करें वो, क्योंकि हाँ बात को क्लियर नहीं कर पा रहे, हर वक्त कोई ऐसी बात करते हैं और एंड में ये कहते हैं मैं पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। नवाज शरीफ को लीडर भी समझते हैं लेकिन उसके खिलाफ गुफ्तगू भी हो रही है। एनी हो, फिलहाल एक तो ये हुआ कि कहा जा रहा है कि ज़राए में ये बता रहे हैं कि फैसला ये हुआ है कि शाहिद अकान अब्बासी और उनकी जो बहन है उनको वाज़े पैगाम दे दिया गया कि ठीक है आप पार्टी छोड़िए। और साथ नैब का एक नोटिस जो उनको मिला और शाहिद अकान अब्बासी, उसमें गम गुस्से का इजहार भी किया और उन्होंने आने वाले दिनों में कहा जा के कुछ नून लीग की जो सीनियर लाइन में उनसे मुलाकातें भी रखी और उसके बाद बाकायदे तौर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की गई। और हो सकता है कि शाहिद अकान अब्बासी और उनकी जो बहन है सादिया अब्बासी, वो दोनों पार्टी से अपनी राहें जुदा कर लें। इस हवाले से बात हो रही थी कि क्या होगा। और शाहिद अकान अब्बासी के हल्के में और मुसलसल तनकीद करने की वजह से अब एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब खुद जो है वो NA 51 यानी जो मरी कोटली सतियाँ कोटा और कलर का हल्का है, जो शाहिद अकान अब्बासी का आबाई हल्का है, वहाँ से इलेक्शन लड़ने की उनको बताया जा रहा है कि, और ये भी कहा जा रहा है कि फैसला हुआ है कि वहाँ पर नवाज शरीफ इलेक्शन खुद लड़ेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी तरफ चलें तो इस वक्त निगरान जो हुकूमत है वो यानी डिफेक्टो इस वक्त नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर लग रहे हैं और उनकी जो काबीना है वही लग रही है कि जिसमें फवाद हसन फवाद बैठे हैं, साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो शहबाज शरीफ जो है वो, डॉक्टर तौकीर शाह वो मौजूद रहे, अभी भी उनका असर रसूख मौजूद है। फिर उसके बाद जो आहद चीमा है और कुछ वो यानी इस वक्त आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं वो नून लीग के साथ उनकी डील हो चुकी है कि वो नून लीग में शामिल हो रहे हैं, उनके भाई नून लीग में शामिल हो चुके हैं, उनके कज़न नून लीग में शामिल हो चुके हैं, और निगरान वज़ीर आला जो बलोचिस्तान है उनके भाई शामिल हो चुके हैं, उनकी पूरी फैमिली शामिल हो चुकी है, और इसी तरीके से यानी बाकी जो यानी लोग हैं वो भी शामिल हो चुके हैं, जो दोस्तान डोमकी हैं बलोचिस्तान से वो भी शामिल हो चुके हैं। ये वो सूरतयाल है जो इस वक्त बड़ी सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून को, कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ये कह रही है, ये समझिए कि निगरान हुकूमत जो है वो उनकी यानी नून लीग की हुकूमत ही निगरान हुकूमत है, तो इसको निगरान हुकूमत का नाम नहीं देना चाहिए बल्कि ये एक सीधी सीधी जो है वो प्री पोल जो है वो धांधली हो रही है और इससे जो है वो बचना चाहिए। इसी तरह जो PTI के कुछ लोग हैं, आमिर कियानी हैं, उन्होंने गुफ्तगू की कि असद उमर जो है उनसे हम रबते में हैं और फवाद चौधरी के साथ जो है दोबारा से चीज़ें चल रही हैं। और लाहौर में जो एक मामला हुआ है कुछ लोगों के, उन्होंने कहा जी कि हमारी उनसे गुफ्तगू हो रही है। इसी तरह फैसलाबाद में जो अली अफजल साई हैं जो वहाँ के लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके वो दामाद भी हैं, उन पर गुफ्तगू हो रही है कि जनाब उनकी भी कोई उनको आज़ाद लड़ने की, इलेक्शन लड़ने की जो है वो इस पर डील पे उनको उनका नाम ECL में से निकाल दिया गया, क्योंकि नून लीग में उनकी पोजीशन या वोट टिकट वहाँ पे नहीं दिया जा सकता, लेकिन वहाँ पर उनको PTI छोड़ने और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की सूरत में ही उनके साथ जो है वो मामला तय पाए हैं, वो PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जो ये मामला जो चल रहे हैं वो इंतहाई जो है वो ख़तरनाक हद तक है कि PTI के अंदर जो है बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि टिकट अगर तकसीम होते हैं तो वहाँ पर सूरत हाल क्या होगी। और इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो, और जिस तरीके से बलूचिस्तान हुकूमत, आपने देखा है कि बलूचिस्तान में 30 से ज़ायद अगर लोग शामिल हुए हैं, तो उसके बाद एक तासर दिया जा रहा है कि अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब लाडले बन गए हैं और उनके लिए तमाम रियासत जो है वो उनके लिए काम कर रही है और उनको किसी भी तरीके से जो है वो इलेक्शन जो है वो उसमें धांधली करके वो जितवाना चाह रहे हैं। अब ज़ाहिर है लेवल प्लेइंग फील्ड किस लेवल पर मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी जो साइफर केस के मामला ताज हुए, आज जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमिर फारूक, उन्होंने भी इस हवाले से फैसला दिया और चंद हफ्तों में उनको जो शाह कुरैशी का केस है उसको भी यानी दरख्वास्त जमानत रिजेक्ट करके उन्होंने कहा कि इसको निपटाया जाए। तो दूसरी तरफ दो जो जजेज़ हैं उनके पास तकरीबन 1.5 माह के बाद केस गया, तो उसका
क्या बना ये सब जानते हैं। और आने वाले दिन कल बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि जो साइफर केस है इमरान खान के हवाले से, वो कल उसमें क्या फैसला होगा, अटारनी जनरल क्या लेके आएंगे। काबीना ने पहले ही फैसला दे दिया कि जेल में ये ट्रायल होगा, और फिर नैब ने पहले ही यानी एक जमानत वो डाल दी है, गिरफ्तारी डाल दी इमरान खान की 30 दिन के लिए। तो कोशिश यही है कि इमरान खान को कम अज़ कम इलेक्शन तक सामने ना लाया जाए, उनके जो जितने भी टिकट होल्डर्स हैं या आमदा इलेक्शन में टिकट दिए जा सकते हैं उनको ड्राया धमकाया जाए, और ये मामलाते जो है वो चल रहे जो कि इंतहाई ख़तरनाक हैं। अब इसमें अदालतें भी और इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फेल नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मज़ीद जो है वो मायूसी फैलती हुई नज़र आ रही है। आइंदा आने वाले दिनों में देखा जाएगा, कल स्पेशली बहुत अहम होगा कि कल क्या हाईकोर्ट इसमें साइफर मामला में जो ओपन ट्रायल की बात कर रही है उसमें कुछ हिकमत अमली सामने आएगी या वही सूरत हाल जो है वो चलती हुई नजर आएगी। अभी तक लेते हैं, मज़ीद जो इसमें अपडेट आएगी वो आपसे शेयर करेंगे।